हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुरुद्धि एमपी फूड ब्लॉग। में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं घर का ही कुछ अनोखा मैं रेसिपी लेके आई हूँ। ये है पके हुए कद्दू के बीज के दाने। इसके ये बीज है, इसकी मैं आज चटनी बनाऊंगी घर में ही। किस तरह से चटनी बनाया जाता है, चलिए मैं आज इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बनाया जाता है। सबसे पहले एक तवा या कोई कढ़ाई हो जिसपे आप तवे को कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। गर्म होने पे उस पर आप इस तरह से कद्दू के बीज को डाल के उसे धीरे धीरे इस तरह से कोई भी चीज़ से चलाते हुए, चाहे चम्मच हो, चाहे आपके पास कलछी हो, चाहे आपके पास कोई भी चीज़ जो घर में मौजूद है उसी से आप इसे अच्छे से इस तरह से चलाना है। चलाते चलाते जब ये रेड होने लगता है तो देखिए ये थोड़ी इसमें से आवाज़ें भी, ये देखिए इस तरह से जब ये हाथ से मैंने पीसा और ये इस तरह से पीस जाने के बाद आप इसमें अपना टमाटर ऐड कर लीजिएगा। टमाटर को कितना बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें और कितना बढ़िया टेस्ट बनता है कद्दू की चटनी। आई होप आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। बाय।